वीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि केमकेयर एलडीसी के आईडीसी केस के अंदर जो न्यू मॉडल अभी किशोरी बालिका का हाल ही में अपडेट हुआ था। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किशोरी बालिका का पंजीकरण कैसे करते हैं, इस मॉडल को किस तरह से भरा जाता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वो किशोरी किस उम्र की किशोरी बालिका का पंजीकरण इसमें होगा वो भी आपको इसमें जानकारी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा उसको भी प्रेस कर दे, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। हाल ही में अपडेट हुआ किशोरी बालिका का वो मॉडल जिसमें आपको कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले आप किशोरी बालिका का पंजीकरण करना होगा। किशोरी बालिका का पंजीकरण करने के बाद में ही आप किशोरी बालिका के मॉडल में आपका उस किशोरी बालिका का नाम आ जाएगा। इसमें आपको पांच तरह का आपका फॉर्म दिया गया है, ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप भरना होगा। इसमें आपको पांचों ही आपको भर के आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपको किशोरी बालिका का पंजीकरण करना है, ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसमें अभी तक तो मेरे किशोरी बालिका का कोई भी पंजीकरण नहीं है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किशोरी बालिका का पंजीकरण कैसे किया जाता है, इसमें आपका नाम ऐड कैसे करते हैं। पांचों ही फॉर्म या पांच तरह का ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी आपको भरना होगा। सबसे पहले गर्म पका भोजन, परामर्श और मार्गदर्शन, IFA टेबलेट, THR और बॉडी मास इंडेक्स, ये पांचों फॉर्म आपको भरना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करने के बाद में ये फॉर्म आपको भरा जाएगा। इसमें आपको बता दें कि जो किशोरी बालिका का पंजीकरण करोगे वो अभी तक आईडीसी केस के अंदर 11, 12 और 13 की उम्र की किशोरी बालिका का ही पंजीकरण होगा। ये ध्यान रखें कि आपके जो किशोरी बालिका का पंजीकरण करोगे 11, 12 और 13 उम्र की किशोरी बालिका का ही पंजीकरण होगा। अब पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले परिवार प्रबंधक को ओपन करके उस किशोरी बालिका का परिवार की लिस्ट पर आपको जाना है। चलो मैं अभी परिवार प्रबंधक ओपन करके इस परिवार उस किशोरी बालिका के परिवार पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आगे बढ़ के परिवार के सदस्यों की लिस्ट पर आपको चले जाना है। चले जाने के बाद में आपको इस किशोरी बालिका को के नाम पर आपको क्लिक करना है। आपको बता दें कि 11, 12 और 13 की उम्र की किशोरी बालिका के ही पंजीकरण हो गए। इसमें अभी आईडीसी केस के अंदर इतने ही उम्र की किशोरी बालिका को पंजीकरण होगा। आगे आपको इस किशोरी बालिका को क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपको ऑप्शन खुल जाएगा। फिर ऊपर आपको आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। इसका किशोरी बालिका का आधार कार्ड भी आपको जोड़ लें, फिर बाद में आपका पंजीकरण कर लें। जैसे ही आगे बढ़ने के बाद में आपको नीचे की ओर आप देखें कि किशोरी लड़की पंजीकरण और डी पंजीकरण आपको दिखा मिल जाएगा। ये आपको 11, 12 और 13 की उम्र की किशोरी बालिका के ही उम्र की किशोरी बालिका के पंजीकरण ये ऑप्शन मिलेंगे, अन्यथा आपका ये पंजीकरण का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलो मैं अभी किशोरी लड़की पंजीकरण या डी पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देता है। फिर बाद में आपको पूछेगा कि ये किशोरी बालिका शाला त्याग चुकी थी, स्कूल नहीं गई थी, तो आप कि उस किशोरी बालिका की जानकारी ले लें, फिर बाद में यह फॉर्म भर दें। मैं अभी इस आपको बता दूं किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। चलो मैं अभी हाँ कर देता हूँ, इसके हाँ करके आगे बढ़ जाना है। फिर बाद में इस तरह से आपका पूछा जाएगा क्या संगीता स्कूल गई थी या नहीं गई थी, इसलिए आपको अच्छी तरह से उस किशोरी बालिका के बारे में जानकारी ले ले, फिर बाद में आपको ये फॉर्म भर लेना है। फिर बाद में इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जो भी है वो ऑप्शन आपको चूज करके भर लेना, टिक कर देना है। चलो मैं अभी इस पर टिक कर देता हूँ, साला त्याग गई है। इस ऑप्शन पर आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो किशोरी बालिका का पंजीकरण आप करोगे वो सही तरीकों से सही सही आपकी जिस जानकारी आपको दोगे। फिर बाद में ये पूछा जाएगा कि अंतिम बार कौन सी कक्षा में
पड़ी हुई है वो भर के मैं यहाँ से फॉर्म समाप्त कर देता हूँ। इस तरह से आप किशोरी बालिका का पंजीकरण कर सकते हो बहुत ही आसान तरीकों से। फिर बाद में आपको पीछे की ओर जाकर मैं अब किशोरी का मॉडल ओपन करूँगा। मॉडल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गर्म पक्का भोजन का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूं। अब गर्म पक्का भोजन पर मैं क्लिक कर देता हूं। फिर बाद में इस तरह से आपका ऑप्शन खुल जाएगा। फिर बाद में आपको पूछेगा कि आज क्या किस किशोरी को ताज़ा गर्म भोजन दिया गया है। आपको दिया गया है तो हाँ कर दे, नहीं दिया तो ना कर दे। अभी मैं आपको भर के बताऊंगा कि किस तरह से आपको बराबरी में हाँ करके यहाँ आगे बढ़ जाना है। फिर बाद में आप जिस में अभी तक तो एक ही किशोरी का पंजीकरण किया तो वो किशोरी का नाम नीचे शो हो जाएगा। अब मैं इस पर आपको क्लिक कर देता हूँ कि अभी तक तो मेरी एक ही किशोरी का पंजीकरण किया हुआ है। इसमें आप जो भी आप गर्म पोषण जिन दिन किशोरी का भोजन दिया गया है उस पर आपको क्लिक कर दे। आपको जितने भी आपके सर्वे पर किशोरी बालिका का है उस पर पंजीकरण करके फिर बाद में ये फॉर्म भरा जाएगा। फिर टेम रे पर आपको फोटो को भी क्लिक करना है। आपको किशोरी बालिका का जो भोजन आपको खिलाओगे उसका भोजन खिलाते समय उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पर आप सर्वर पर आपको भेजना होगा, तभी ये फॉर्म भरा जाएगा। चलो ये इस तरह से आपका गर्म पक्का भोजन का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप गर्म पक्का भोजन का फॉर्म आसानी से भर सकते हो। फिर बाद में आपको बता दें परामर्श और मार्गदर्शन किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, इस जानकारी अब आगे आपको बताएंगे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपको पूछा जाएगा कि आप आज परामर्श सत्र आयोजित कर रहे हैं तो हाँ कर दे, मतलब आप किशोरी बालिका को मिली है या नहीं मिली है उसके परामर्श मतलब बातचीत की है तो हाँ कर दे। फिर बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपके किन बातों पर आपको इस किशोरी बालिका को जानकारी दी गई है। जो भी आपने जो जानकारी दी है कि किशोरी बालिका को उस पर आपको क्लिक कर दे। मैं अभी स्कूल जाने के लाभ पर आपको क्लिक करके यहाँ आगे बढ़ जाऊँगा। फिर बाद में आप उस किशोरी बालिका जिन जिन किशोरी बालिका का हैं उस पर आपको सभी पर आपको जो भी किशोरी बालिका आपके केंद्र पर आई है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको आपके सर्वे पर सभी की जो भी किशोरी बालिका है उसका सभी का पंजीकरण करने के बाद में यह फॉर्म भरे। मैं अभी इस पर आपको क्लिक करके बता देता हूँ, ये भी एक ही मेरा पंजीकरण है अभी तक तो, और आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरह से ये फॉर्म समाप्त हो जाएगा। आपको परामर्श मार्गदर्शन का फॉर्म इस तरह से आपका भरा जाएगा। अब आपको बता दें IFA टेबलेट का फॉर्म कैसे भरता है, इसके बारे में ही आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस पर आपको क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपका आ जाएगा उसका किशोरी बालिका का नाम और परिवार का नाम इसमें आपको दिखेगा, ओनली फॉर कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको उस किशोरी बालिका के नाम पर आपको क्लिक कर देना है। फिर बाद में आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना है ऊपर की तरफ। जैसे ही आगे बढ़ोगे IFA पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद में आपको IFA पर आपको क्लिक करना है। IFA एक आयरन की गोली है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि कितनी आपकी किशोरी बालिका को आयरन की गोली दी गई है। अभी तक तो मैं किशोरी बालिका की कोई भी जानकारी इसमें ऐड नहीं की है तो 0 बता रहा है। अब आपको पूछा जाएगा आज कितनी IFA की टेबलेट दी गई है। जब भी आप किशोरी बालिका का IFA की गोली दी जाती है वो ये फॉर्म आपको भर लेना है। चलो मैं अभी ये करके इसको फॉर्म में आगे बढ़ जाऊँगा। फिर आपको बता दी जाएगी कुल दी गई IFA की गोलियाँ, आगे बढ़ जाना है। फिर क्या लड़की के IFA की टेबलेट पर परामर्श दिया गया, मतलब जानकारी इसकी दी गई है IFA की गोलियों की, तो हाँ करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको बता दिया जाएगा आज इनाकी संगीता ने 0 टेबलेट का सेवन किया, मतलब अभी तक तो कोई भी टेबलेट का सेवन नहीं किया, आपने दी थी वो सेवन नहीं की थी। अब आपको बता देना है कि ये सेवन कर लिया, मतलब ले ली गई है
आयरन की गोली हाँ करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि पिछली बार के भ्रमण में आप तक की आयु की गोली कितनी सेवन की गई है किशोरी बालिका, जो भी हैं वो लगा के आपको आगे की ओर बढ़ जाना और इस फॉरम को समाप्त कर देना। इसी तरह से ये फॉरम भी भरा जाएगा। अब बताएंगे THR का फॉरम कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में अब जानकारी बताएंगे। फिर बाद में आपको THR पर आपको क्लिक कर देना है। THR का फॉरम भरने के लिए आपको THR पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका वही उस किशोरी बालिका का नाम और परिवार का नाम ओनली बताएगा। जितने भी किशोरी बालिका का पंजीकरण आप करोगे उस सभी का नाम बताएगा। अभी एक ही पंजीकरण है इसलिए एक ही बता रहा है। फिर बाद में आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। ग्रीन कलर का जो आगे बढ़े पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे फिर बाद में आपको THR आपको दिखेगा। ये THR पर आपको क्लिक करना है। फिर बाद में आपको पूछा जाएगा कि आज किशोरी बालिका का राशन लिया था तो हाँ कर दे। हाँ करने के बाद में आपको इसमें आपको पूछा जाएगा क्या संगीता का पूर्व भोजन वितरण किया है तो हाँ करके आगे बढ़ जाना है। फिर पूर्व भोजन वितरण किए गए दिनों की संख्या आपको लिखनी है, कितने दिन तक आपको ये पूर्व पोषाक दिया गया है। फिर आपको क्लिक करके THR को ये फॉर्म समाप्त कर देना है। फिर बाद में आपको लास्ट में आपको दिखेगा बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इस बॉडी मास इंडेक्स के अंदर आपको उस किशोरी बालिका की लंबाई और वजन आपको भरा जाएगा। आपको उस किशोरी बालिका के अपने केंद्र पर उस वजन ले ले और लंबाई को नाप ले, फिर बाद में ये फॉर्म भर ले। फिर बॉडी मास इंडेक्स पर आपको क्लिक करके उस लड़की का वजन आपको यहाँ पर किलोग्राम में लिख लेना है। मैं अभी इस किशोरी बालिका का वजन यहाँ से लिख देता हूँ। फिर आगे बढ़ जाना है। फिर आपको नाप के मतलब उस सेंटीमीटर में नाप के आपको यहाँ उस किशोरी बालिका का लंबाई आपको या ऊंचाई आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में आपको लिखनी है। फिर बाद में यहाँ पर ठीक करके ठीक पर ऑप्शन पर क्लिक करके ये फॉर्म भर देना है। इसी तरह आप आसानी से बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्म भर सकते हो। इसी तरह ये किशोरी वाले मॉडल को आसानी से भर लेना है अच्छी तरह से।